लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अक्षय बंद करो उन्हें पुकारना। गुरु शुक्राचार्य या तो गहरी निद्रा में सो गए हैं या उन्होंने यहां ना आने का निश्चय कर लिया है। स्वामी, इस तरह यज्ञ छोड़कर उठना अच्छा नहीं होता। हमें उपदेश ना दो मंदोदरी, उन्होंने हमारे आह्वान पर प्रकट ना होकर हमारा घोर अपमान किया है। उन्हें अपनी दिव्य शक्ति पर अभिमान हो गया है। दैत्य गुरु हमारी पुकार सुनिए। दैत्य गुरु हम पर प्रसन्न हो ये दैत्य गुरु, हम पर प्रसन्न हो ये दैत्य गुरु। मेघनाथ, अक्षय, जो हमने कहा वो तुमने सुना नहीं। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की सुनने की शक्ति अब समाप्त हो चुकी है, वो प्रकट नहीं होंगे। लंकेश। प्रणाम गुरुदेव। हमारी श्रवण शक्ति नहीं, तुम्हारी सहन शक्ति समाप्त हो चुकी है लंकेश। गुरुओं के विरुद्ध अपशब्द कहते तुम्हें लज्जा नहीं आती? क्षमा कीजिए गुरुदेव, क्या आपने हमारी पुकार ना सुनने का हठ ठान लिया था? अब भी हम तुम्हारी पुकार सुनकर नहीं, तुम्हारे ही नबोध पालकों की श्रद्धा पूर्वक प्रार्थना को सुनकर चले आए। हाँ मंजू, तुम्हारे ही नबोध बालकों ने जब हमारी प्रसन्नता के लिए सच्चे मन से प्रार्थना की तो हम एक क्षण का विलंब किए बिना ही चले आए। हम इन दोनों बालकों पर परम प्रसन्न है मंजूरी। हम इन्हें ऐसा वरदान देंगे जैसा आज तक किसी ने नहीं दिया हो। कैसा वरदान गुरुदेव? रावण, इस समय तुम रक्ष संस्कृति के अकेले रक्षक हो। इस महान संस्कृति के गौरव व सम्मान की रक्षा के लिए तुम्हें अपने ही समान और भी महान योद्धाओं की आवश्यकता है। गुरुदेव, मेरे समान महान बलशाली भला और कौन हो सकता है? तुम्हारा हृदय अभिमान से भरा है रावण, इसीलिए तुमने हमें प्रकट होने का आदेश दिया, प्रसन्न होने की प्रार्थना नहीं की। गुरुदेव, क्या आप इसीलिए प्रकट नहीं हुए? हम किसी का आदेश स्वीकार नहीं करते रावण, हमारा काम है आदेश देना, मार्गदर्शन करना और दैत्यों को शक्तिशाली बनाना। इसीलिए हम तुम्हारे ही समान महान और बलशाली ऐसे राक्षसों को तुम्हारे सम्मुख प्रकट कर रहे हैं जिनसे तुम्हारे अभिमान को ठेस नहीं पहुंचे, जिनसे तुम्हें ईर्ष्या न हो, जो तुम्हारे अपने हो। तो गुरुदेव, वो महान बलशाली राक्षस है कौन, बताइए गुरुदेव। क्या तुम जानते हो रावण, सभी राक्षसों को ब्रह्मा का यह वरदान प्राप्त है कि जन्म लेने के साथ ही वे चाहे तो बालक से पूर्ण वयस्क बन सकते हैं। पूर्ण वयस्क? हाँ मंजू, तुम्हारे पति रावण भी माता केतसी की इच्छा अनुसार जन्म लेते ही 8 वर्ष के बालक हो गए थे। हाँ गुरुदेव, ये सत्य है। रावण, उसी शक्ति से हम तुम्हारे इन दोनों अबोध बालकों को अपनी मंत्र शक्ति द्वारा पूर्ण वयस्क बना सकते हैं। मेघनाद और अक्षय, अपने पिता के समान पूर्ण वयस्क बन जाओ। रक्ष 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 सह पूर्ण पुरुष सह ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम माता श्री। प्रणाम पिता लंकेश्वर। आयुष्मान भव। मेरे पुत्रों, आज तुम अपने पिता के समान बलशाली बन गए हो।
हमने कहा था ना मंदोदरी, क्या आज कोई चमत्कार होगा? पिता श्री लंकेश, आज्ञा कीजिए कि हमें किस शत्रु का सर्वनाश करना है। हम राक्षसों के शत्रुओं को कुचल कर रख देंगे। तुम्हारा आवाहन सफल हुआ रावण, अब हम प्रस्थान करेंगे, सभी का कल्याण हो। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम देवर्षि। प्रणाम। मैं आपसे भेंट करने के लिए स्वर्गलोक आने ही वाला था कि आप टकरा गए। कहाँ जा रहे हैं आप? और आपकी धर्म पत्नी स्वर्ग साम्राज्ञी शची देवी कहाँ है? वे तो इस समय स्वर्गलोक में ही हैं। कोई आज्ञा देवर्षि? तो फिर आप अकेले इस तरह नक्षत्र लोक में कहाँ भ्रमण कर रहे हैं? कहीं कहीं किसी पृथ्वी की सुंदरी ने आपका मन तो नहीं मोह लिया? नहीं नहीं देवर्षि, ऐसी कोई बात नहीं। बात यह है कि पवन देव ने मुझसे कहा था कि रावण अपने दो पुत्रों के साथ सर्वेष्टि यज्ञ करने वाला है। मैं तो ये देखने आया था कि उसका यज्ञ सफल तो नहीं हो गया, कहीं वो स्वर्ग पर आक्रमण करने की तो नहीं सोच रहा है। हाँ 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 हाँ, रावण की वो सर्वेष्टि यज्ञ वाली बात मैंने ही पवन देव को बताई थी और उन्होंने आपको बता दी। क्या ये सत्य है देवर्षि? क्या रावण सचमुच ही स्वर्ग पर आक्रमण करना चाहता है? नारायण नारायण, अब तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने रावण के दोनों पुत्रों को भी युवा और शक्तिशाली बना दिया है। वे दोनों भी रावण के समान भयानक हैं। इसीलिए अब आप सावधान हो जाइए। परंतु देवर्षि, पूरी बात तो बताइए। पूरी बात तो मैंने बता दी देवराज, अब शेष क्या रह गया है? नारायण नारायण। अब तो स्वर्ग की रक्षा के लिए कोई ना कोई उपाय तो करना ही होगा। रावण की विश्व विजय लंकेश्वर, 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 रावण की। राक्षस वीरों, हमें आश्चर्य है कि आपने हमारे साथ आने वाले हमारे दो महान बलशाली पुत्रों की अवहेलना की। तुम्हारे? ये दोनों तुम्हारे पुत्र हैं रावण? नाना श्री, क्या आप इस बात का अनुमान भी नहीं लगा सकते कि ये दोनों हमारे पुत्र हैं? परंतु वे दोनों तो अभी बालक हैं। नाना श्री, ये तो आप जानते ही हैं कि राक्षस पुत्र जब बालक होते हैं तब उनका बल सामान्य मनुष्य पुत्रों से 100 गुना अधिक होता है, और जब वे वरदान पाकर बालक से युवा बन जाते हैं तब उनका बल 1000 गुना हो जाता है। मेघनाथ, अक्षय कुमार, प्रणाम करो हमारे नाना सुमाली को। ये तुम्हारे माता मैं है, महामाता मैं। प्रणाम। तुम्हारी कीर्ति मेघनाथ के समान गूंजे और तुम्हारा बल अक्षय रहे। परंतु रावण, हम ये बात समझने में असमर्थ हैं कि ये बालक अचानक युवा कैसे हो गए। नाना श्री, आपको तो ये पता होना चाहिए कि हम राक्षसों को ब्रह्मा से ये वरदान प्राप्त है कि वे अपनी और अपने माता पिता की इच्छा से जन्म लेते ही पूर्ण पुरुष बन सकते हैं। हमारी माता केकसी ने हमारा बालक रूप देखना चाहा, इसलिए हम जन्म लेते ही 8 वर्ष के हो गए। परंतु तुमने ये नहीं चाहा कि तुम्हारे पुत्र अक्षय और मेघनाथ पूर्ण पुरुष बन सके। क्यों लंगापति रावण? नारद मुनि, आप यहाँ क्या करने आए हैं? नारायण नारायण, यदि प्रणाम और स्वागत नहीं कर सकते तो कम से कम 2 मीठे बोल तो बोलो। एक अतिथि से ऐसे प्रश्न नहीं किए जाते। आप हमारे अतिथि नहीं हो सकते, आप हमारे शत्रु विष्णु और उसके साथी देवताओं के शुभ चिंतक हैं।
आपको यहां आने का साहस कैसे हुआ? रावण, लंका हो या पाताल लोक, स्वर्ग हो या नर्क, हमें कहीं आने जाने की कोई रोक टोक नहीं है। हमें जब भी किसी का भला करना होता है हम वहां पहुंच ही जाते हैं। अर्थात आप हमारा भला करने आए हैं। अब राक्षस भले ही मुझे अपना शत्रु मानते हो, मैं राक्षसों को अपना शत्रु नहीं मानता सोमाली जी। अब बातें मत बनाइए, बताइए आप हमारा कौन सा भला करना चाहते हैं? तो यही है तुम्हारे दो बलशाली चमत्कारी पुत्र अक्षय और मेघनाथ, जिनकी सहायता से तुम स्वर्ग पर आक्रमण करने वाले हो। अर्थात आपको हमारी योजना का पता चल चुका है। नारायण की कृपा से योजना का पता नारद को योजना करने वाले के मन में आते ही पता चल जाता है। मैं तुम्हें सावधान करने आया हूं। तो आप हमसे ये कहने आए हैं कि हम स्वर्ग पर आक्रमण ना करें क्योंकि इंद्रराज और देवता हमें पछाड़ देंगे? नारायण नारायण, अपने ही मुंह से अपनी भविष्यवाणी करना शुभ नहीं होता रावण। तुम्हारे भाग्य में जो लिखा है वही होगा। नारद, हमारा भाग्य कोई नहीं लिख सकता, रावण अपना भाग्य स्वयं लिखता है। बहुत हो चुका ये उपदेश, अब चले जाइए यहाँ से। नारायण नारायण, आना और विदा लेना यही तो दो मुख्य कार्य है नारद के। अच्छा तो मैं चला। लंकेश्वर, इस मुंह पर नारद को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, ये जब भी आता है कोई ना कोई समस्या खड़ी करके जाता है। नाना श्री, आप नारद की बातों में ना आइए। नारद हमें स्वर्ग पर आक्रमण करने से सावधान करने आया था। नाना श्री, रावण एक बार जो निर्णय कर लेता है उससे पीछे नहीं हटता, और अब तो हमारे पास हमारे दो वीर पुत्र हैं। राक्षस वीरों, स्वर्ग पर आक्रमण की तैयारी की जाए। यदि इस बार स्वर्ग को नष्ट भ्रष्ट नहीं किया तो हमारा नाम रावण नहीं। हम आप सब वानर वीरों के आभारी हैं। ढूंढसुंदर, आपने बाली की विशाल सेना की शक्ति को कम करके हमारे उत्साह को बढ़ाया है। इसका श्रेय हमें नहीं, आपके सखा वीर हनुमान को है। यदि वीर हनुमान आपके साथ ना होते तो वानर राज बाली के भय से कोई भी वानर वीर आपके पास भी ना आता। यह तो सत्य है गुणसुंदर, हनुमान के बिना हम कुछ ना कर पाते। हनुमान तो हमारे लिए भगवान के वरदान के समान है। नहीं सुग्रीव, नहीं, ऐसा कहकर तो आप मुझे लज्जित कर रहे हैं। हम अपने में और आपके इन वानर वीरों में कोई भेद नहीं समझते। हम भी आपकी सेना के वानर वीरों की तरह एक साधारण से वानर हैं। तुम भेद समझो या न समझो, हम तो भेद समझते हैं। अंजनी पुत्र केसरी नंदन, सूर्य शिष्य रुद्रावतार हनुमान साधारण वानर नहीं हो सकते। मैं समझ गया, आप मेरा उत्साह बढ़ाकर मुझसे कोई बड़ा काम करवाना चाहते हैं। क्यों, मैं सत्य कह रहा हूं ना जामवन जी? हाँ हनुमान, इस समय तुम्हें एक महान कार्य करना है। प्रणाम पालक पिता पवन देव। आयुष्मान भव हनुमान। कहिए पवन देव, अब मेरे लिए क्या आज्ञा है? राक्षस राज रावण ने स्वर्ग पर आक्रमण करने की योजना बनाई, वो किसी भी समय स्वर्ग पर आक्रमण कर सकता है। स्वर्ग पर आक्रमण? विश्व विजय के बाद रावण की शक्ति दिनों दिन बढ़ती जा रही है। सुना है कि वो स्वर्ग विजय की नई शक्ति प्राप्त कर चुका है। इसीलिए हमारी चिंता बढ़ती जा रही है। रावण की राक्षसी शक्ति को हनुमान की दिव्य शक्ति ही रोक सकती है। आप चिंता न करें पवन देव, मैं आपकी अपेक्षाएं अवश्य पूरी करूंगा। आप केवल मुझे रावण के आगमन की पूर्व सूचना दीजिए, मैं रावण की राक्षसी सेना को स्वर्ग लोक के द्वार में प्रवेश करने ही नहीं दूंगा। वो किसी भी क्षण आक्रमण कर सकता है हनुमान, वो अपनी वरदानी शक्ति से अपनी सेना को आकाश में पहुंचा देगा और स्वयं स्वर्ग पर टूट पड़ेगा।
और अब तो उसके दोनों पुत्र मेघनाथ और अक्षय भी उसके साथ हैं। रावण के पुत्र? हाँ सुग्रीव, रावण के पुत्र तो क्या, उसके पुरखे भी उसके साथ रहे तो भी उनका मुंह तोड़ उत्तर दिया जाएगा। आप चिंता न करें पवनदेव। धन्य हो हनुमान, तुम धन्य हो। बोलो पवन सुत हनुमान की, वीर हनुमान की। यदि बोलना ही है तो आप सब लोग मेरे साथ बोलिए, जय श्री राम, 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 जय श्री राम। सेनापति, क्या युद्ध की तैयारी हो चुकी है? हाँ लंकापति, स्वर्ग पर आक्रमण करने की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। वीर राक्षस सेना देवताओं को कुचल देने के लिए प्रस्तुत हैं। हम भी इंद्र और उसके साथी देवता और हमारे शत्रु कुबेर को बंदी बनाने के लिए तैयार हैं। नानाश्री, क्या आप हमारे साथ चलने के लिए तैयार हैं? आपको भी विष्णु और उसके साथी देवताओं से पुराना प्रतिशोध जो लेना है। लंकेश, हमारा विचार है कि स्वर्ग पर आक्रमण करने के लिए यह समय उचित नहीं है। नानाश्री, आप फिर कायरों की भाषा बोलने लगे हैं। हमारा उत्साह बढ़ाने के बदले हमें हतोत्साहित करना चाहते हैं। देवताओं की शक्ति को कम न समझो रावण, स्वर्ग को सुरक्षित रखने के लिए सर्व शक्तियों के साथ हैं। नानाश्री, दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने भी हमसे यही कहा था कि स्वर्ग लोक पर आक्रमण मत कर और पाताल लोक में जाकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर। परंतु आप जानते हैं कि रावण एक बार जो निर्णय कर लेता है उससे पीछे नहीं हटता। तने गहराई से सोचो रावण, उस नारद ने तुम्हें उकसा दिया और तुम देवताओं की सीमा पर कूद पड़ने के लिए उतावले उठे। बस बस नानाश्री, हमें आपका उपदेश नहीं सुनना है। यदि आप हमारा साथ देना नहीं चाहते तो मत दीजिए, परंतु हमें आपके विरुद्ध बोलने के लिए उत्तेजित मत कीजिए। राक्षस वीरों, चल पड़ो स्वर्ग लोक की ओर। हम अपनी मायावी शक्ति से तुम्हें उसकी सीमाओं तक ले जाएंगे। पद्मपति रावण की जय। पद्मपति रावण की जय। पद्मपति रावण की जय। अच्छा रावण, तो तू अपने नाना और दोनों पुत्रों के साथ स्वर्ग पर आक्रमण करने जा रहा है।